स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल टॉय टैक पे। और आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं वो बहुत ही डिलीशियस है, क्योंकि पिज्ज़ा सेट का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। पिज्ज़ा का नाम सुनते ही बच्चों के तो मुंह में पानी आता ही आता है और हमारे मुंह में भी पानी आ जाता है, इतना फेवरेट प्रोडक्ट ये सभी के लिए है। तो आज की वीडियो काफ़ी लाजवाब और टेस्टी भी होने वाली है। चलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आज की वीडियो हम शुरू करते हैं इसी जोश के साथ। सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग में यहाँ से ये मैं इसके पैकिंग हटा देता हूँ और आप जैसे देखेंगे इसकी पैकिंग पे काफ़ी अच्छी तस्वीर बनी हुई है, प्रोडक्ट की पूरी डिटेल के साथ एक पिक्चर दिखाई दे रही है। 3H+ के लिए रिकमेंडेशन कंपनी की तरफ से दी गई है, 24 पीसेस इसके अंदर हैं और पूरे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पीछे भी दी गई है क्या क्या पीसेस के अंदर हैं। चलिए हम उसको रखते हैं और आज इस बॉक्स को ओपन करते हैं। अब देखते हैं इस बॉक्स में क्या क्या मिलता है हमें। सबसे पहले एक बहुत बड़ी ट्रे हमें जो दिखाई दे रही है, अब इसको हटाते हैं तो अंदर से आप देखते हैं कि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे हम, और ये प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं। इसको जल्दी से हम इंस्टॉल करने वाले हैं ताकि हमें एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमारे सामने हो। तो पहले मैं इस ट्रे को दोबारा लगा देता हूँ जैसे ये आई थी। सबसे बड़ा प्रोडक्ट है ये और बाकी के प्रोडक्ट इस तरह से लगाते हैं हम। ये देखिए आप देख रहे हैं स्क्रीन में कि इतने सारे प्रोडक्ट्स हमें ये मिले हैं, जिसमें आप पिज़्ज़ा बॉक्स भी दिखाई दे रहा है आपको और ये ट्रे है इसके साथ। सबसे पहले ये साइड की ट्रे हमें इंस्टॉल करूँगा, ये छोटी छोटी ट्रे, और बाकी सारे प्रोडक्ट को जल्दी से मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। आप ये देखिए मैंने काफ़ी हद तक इस प्रोडक्ट को इंस्टॉल कर दिया है। ये अभी रॉ प्रोडक्ट है, इसमें अभी स्टिकर्स और बाकी का काफ़ी कुछ ऐड होनी है। ये सॉस की बॉटल्स हैं। अब आप देखेंगे काफ़ी हद तक हमने इसमें प्रोडक्ट में इंस्टॉलेशन कर दी है और बाकी के प्रोडक्ट को भी हम जल्दी से इंस्टॉल करने वाले हैं 1x1 करके। अब गिलास और ये सब चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं। आगे के पार्ट्स में आता है स्टिकर्स जो आप स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं 1x1, इनको भी हम इंस्टॉल करने वाले हैं। उनके लिए सबसे पहले हम आप देखिए पिज़्ज़ा सेट भी आपको पिज़्ज़ा बॉक्स भी आपको दिखाई दे रहा है और जो काफ़ी खूबसूरत बॉक्स है, और ये बॉक्स हम फोल्ड करके रख देते हैं, अभी इसको बाद में बनाएंगे। सबसे पहले हम गिलास के स्टिकर इंस्टॉल करेंगे। अब ये देखिए 1x1 हम स्टिकर्स इंस्टॉल करते जा रहे हैं। एक क्लोजअप में आप देखिए इसके ऊपर लिखा है फ्रेश ऑरेंज और गिलास की लुक बिल्कुल चेंज हो गई है स्टिकर लगने के साथ ही। अब हम दूसरे गिलास पर भी लगाएंगे स्टिकर, इस पर भी फ्रेश ऑरेंज ही लिखा हुआ है। इसके बाद हम इंस्टॉल करने वाले हैं इसके बॉटल्स के स्टिकर 1x1। बच्चों आपको ये प्रोडक्ट कैसा लग रहा है? आपके लिए बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट है। बचपन में हम भी किचन सेट्स के साथ काफ़ी खेले हैं और अभी ये चीज़ें बनती जा रही हैं, नई नई चीज़ें आई हैं। जैसे आप पिज़्ज़ा लोगों को पसंद आता है तो पिज़्ज़ा से रिलेटेड ये किचन सेट आ चुका है, प्ले सेट। अब ये टोमेटो बॉटल केचप के ऊपर भी स्टिकर लग रहा है, आप देखिए कितनी खूबसूरत बॉटल बन गई है। अब बाकी के स्टिकर्स जैसे ये सेंटर में एक स्टिकर लगना है ऊपर, और बाकी के स्टिकर्स भी हम धीरे धीरे इसको इंस्टॉल कर देते हैं। एक ये साइड ट्रे जो ये देखिए ओवन के नीचे की ट्रे भी बन चुकी है, ओवन लगभग बन चुका है, इसके ऊपर ओवन दो इंस्टॉल कर दिया है हमने दोबारा। अब हम वो जो बाकी के स्टिकर्स हैं, अब ये धीरे धीरे इसके लिए हमें ये सब चीज़ें हटानी पड़ेंगी ताकि वो सामने की मेन स्क्रीन पे स्टिकर लग सके, उसके लिए हम इनको रिमूव कर देते हैं, एक बार दोबारा से इंस्टॉल कर देंगे। अब ये देखिए हम इसको हटाने वाले हैं। अब इस तरह से ये स्टिकर लगाते हुए बड़ा ध्यान रखने वाला होता है क्योंकि ये इधर उधर हो जाए तो ये पीस ख़राब हो जाता है। हमसे भी छोटी सी गलती इसमें हुई पर वो खैर कवर हो चुकी है, बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब हम बीच की ये ट्रे लगा देते हैं। अब ये हैंगिंग ट्रे है जो ये लग जाती है। इसके बाद हम आप देखेंगे प्रोडक्ट में कितना सुंदर बन चुका है ये प्रोडक्ट, और बच्चों को तो खूब पसंद आने वाला है ये प्रोडक्ट क्योंकि है ही इतना अच्छा। हमें खुद पसंद आ रहा है देखते हुए, प्लास्टिक क्वालिटी इसकी अच्छी है और इसके रेट मार्केट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, बहुत महंगा प्रोडक्ट ये नहीं है और हम बच्चों को बर्थडे गिफ्ट में दे सकते हैं। बच्चे अपने
अलग अलग किट्स यूज़ कर सकते हैं। किट्स बहुत सारी किट्स आती हैं जिसमें डॉक्टर किट है, पिज़्ज़ा किट है, किचन सेट है और भी बहुत सारी किट्स हैं जिसका हम रिव्यू हमारे चैनल पे पहले भी हो चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। अब ये देखिए काफ़ी हद तक ये तैयार हो चुका है, ये ट्रे, ये एक एक प्रोडक्ट आप देख रहे हैं सारा स्क्रीन में, एक एक चीज़ हमारे सामने, ये ऑमलेट का शेप दिया हुआ है। आप ये देख सकते हैं स्टिकर था जो पीछे के मेन बॉक्स पे लगने वाला है, वो हम बाद में लगाएंगे। हमारे सामने पिज़्ज़ा तैयार होके आ गया है, पिज़्ज़ा की स्लाइस जिस पे हमने स्टिकर लगा दिया है। अब ये सारे स्टिकर हम इनको इकट्ठा कर देंगे, इस तरह से इसमें जॉइंट होता है जो हम इसको जॉइंट करने वाले हैं, जॉइंट कर दिया जैसे, और बाकी के पार्ट्स पर हम स्टिकर लगा रहे हैं तो वो भी आ जाएंगे जैसे ये दो इस तरह से इंस्टॉल होते हैं। अब तीसरा और चौथा पार्ट भी इसका आ जाएगा तो ये पूरा पिज़्ज़ा बना हुआ हमें दिखाई देगा जिसमें काफ़ी सारी। अब ये देखिए तीसरा स्लाइस भी आ गया है, ऐसा ही चौथा, इसमें कट प्रॉपर बने हुए हैं। अब हम चौथे स्लाइस को लगाते हैं इसके साथ। अभी देखिए इस तरह से इसमें जॉइंट हो जाता है, ये इसमें ये देखिए ये इसमें जॉइंट हो गया है। पीछे से आप देखिए इस तरह से जॉइंट में लगता है ये, और कटा हुआ हमें फील होता है जैसे ओरिजिनल पिज़्ज़ा होता है। अब इसको ओपन में हम रख देते हैं और काफ़ी अच्छा और सुंदर दिखाई दे रहा है। अब देखो कंप्लीट ये सेट हो चुका है और हमें बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट लग रहा है। एक ऑमलेट भी बच्चा बना सकता है, उसकी शेप भी इन्होंने साथ में दी है। इसको हम यहाँ रख देते हैं क्योंकि और ओवन में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा बॉक्स है, पिज़्ज़ा बॉक्स को हम इंस्टॉल कर देते हैं, बच्चा पिज़्ज़ा बॉक्स में भी डाल के ले जा सकता है, किसी को डिलीवरी कर सकता है। तो खेलने के तरीके से ये काफ़ी अच्छा है और हमें खूबसूरत लगा। ये देखिए बॉक्स पैक में ओरिजिनल पिज़्ज़ा की शेप में जैसे ओरिजिनल आता है बाकी ब्रांड्स का पिज़्ज़ा, वो भी हमें अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आज हमने आपके प्यारे चैनल टॉय टेक ने 100 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं, इसके लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एक माइलस्टोन था जो वो हमने पूरा किया है, आपके बगैर ये होना पॉसिबल नहीं था। आपने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया, हम भी आपके प्यार पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे, नई नई आइडियाज़ नई नई वीडियो लेके आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।